हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात डिस्कस किया था थ्रेड के बारे में, यानी कि मल्टी थ्रेडिंग में जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है थ्रेड, वह क्या होता है। तो हमने जाना कि थ्रेड जो होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूशन पाथ होता है, और मल्टी थ्रेडिंग में क्या होता है कि एक साथ कई थ्रेड्स जो है वह एग्जीक्यूट होती हैं। उसके बारे में हमने थ्रेड लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था। थ्रेड लाइफ साइकिल जो होती है, और थ्रेड लाइफ साइकिल में क्या होता है, हमारा कई स्टेट्स होती हैं, उन स्टेट्स के थ्रू हमारी जो थ्रेड होती है वह होकर गुजरती है। देन की फर्स्ट वन में स्टार्ट रनिंग स्टेट, नॉट रनिंग स्टेट, देन डेथ स्टेट, ये टोटल हमारे 5 स्टेप्स होते हैं। उसके बाद आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्रेड की प्रायोरिटी के बारे में। तो जिस तरीके से आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में देखा होगा शेड्यूलिंग होती है, शेड्यूलिंग में क्या होता है जो हमारा टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं, यानी कि वर्क जो होता है उसको प्रत्येक प्रोसेस को प्रत्येक जो भी हमारी प्रोसेसेस होती हैं जो परफॉर्म हो रही होती हैं उन प्रोसेस को एक प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक असाइन की जाती है। सेम एज क्या होता है थ्रेड प्रायोरिटी की अगर आप बात करें तो अ थ्रेड प्रायोरिटी शो हाउ फ्रिक्वेंटली अ थ्रेड गेंस द एक्सेस टू द CPU रिसोर्सेज, यानी कि थ्रेड प्रॉपर्टी जो होती है वह यह चीज़ शो करती है कि कितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली एक थ्रेड जो है वह CPU के रिसोर्सेज को यूज़ कर रही है या उनको अचीव कर रही है। व्हेन वी क्रिएट अ थ्रेड इन C#, अगर जब भी हम एक थ्रेड क्रिएट करते हैं C# में तो उसकी कुछ ना कुछ प्रायोरिटी होती है जो उसको असाइन की जाती है, ठीक। तो इसके बारे में एक अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करें इसमें, तो अ प्रोग्रामर कैन एक्सप्लिसिटली असाइन प्रायोरिटी टू अ थ्रेड, यानी कि जो प्रोग्रामर होता है वो एक्सप्लिसिटली प्रायोरिटी असाइन करता है थ्रेड के लिए। द बाई डिफ़ॉल्ट प्रायोरिटी ऑफ अ थ्रेड इज़ नॉर्मल, और बाई डिफ़ॉल्ट जो हमारी वैल्यू होती है थ्रेड की प्रायोरिटी की वह नॉर्मल सेट होती है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग उसकी प्रायोरिटी देने के लिए असाइन करते हैं। देन अब हम बात कर रहे हैं थ्रेड लॉकिंग के बारे में कि थ्रेड लॉकिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक। एक्सक्लूसिवली लॉकिंग इन थ्रेड, एक्सक्लूसिव लॉकिंग इन थ्रेडिंग, यानी कि किसी भी थ्रेड को एक्सक्लूसिवली यानी कि उसी की पैटर्न के अकॉर्डिंग लॉक करना इंश्योर करता है दैट वन थ्रेड डज नॉट एंटर क्रिटिकल सेक्शन व्हाइल अनदर थ्रेड इज इन द क्रिटिकल सेक्शन ऑफ कोड, यानी कि अगर कोई थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन में गई हुई है तो वहाँ पर दूसरी थ्रेड जो है वह एंटर नहीं होती, ठीक है। If another thread attempts to enter a locked code, यानी कि अगर कोई और thread है जो locked code में enter करना चाह रही है तो it will wait, यानी कि वह जब तक के लिए wait करेगी जब तक कि जो object हैं वह release ना हो जाए, ठीक। To achieve the functionality we have to get मेन एक्सक्लूसिव लॉकिंग कंस्ट्रक्टर आर, यानी कि इस चीज़ को अचीव करने के लिए यहाँ पर हमारे पास, यानी कि इस फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए हमारे पास यहाँ पर दो एक्सक्लूसिव लॉकिंग कंस्ट्रक्टर हैं जिनके नाम हैं म्यूटेक्स और लॉक। तो आइए म्यूटेक्स और लॉक के बारे में अगर हम बात करें तो द लॉक कंस्ट्रक्ट इज़ फास्टर एंड मोर कन्वीनियंट, लॉक कंस्ट्रक्टर जो होता है हमारा वो ज़्यादा ही फास्टर होता है और कन्वीनियंट यानी कि रिलायबल होता है। म्यूटेक्स दो हैज़ अ प्लेस इन दैट इट्स लॉक कैन स्पैम एप्लीकेशन इन डिफरेंट प्रोसेसेस ऑन द कंप्यूटर, यानी कि म्यूटेक्स जो होता है म्यूटेक्स की हेल्प से जो लॉकिंग की प्रोसेस होती है वो एप्लीकेशन को कुछ देर के लिए स्पैम में डाल देती है जहाँ पर डिफरेंट प्रोसेसेस जो है कंप्यूटर में रनिंग स्टेट में होती हैं। द लॉक स्टेटमेंट टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म, लॉक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट लॉक, यानी कि लॉक स्टेटमेंट होता है उसके पास कई फॉर्म्स होती हैं जैसे कि लॉक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट ब्लॉक, ठीक। अब यहाँ पर जो है
यह हमारी प्रायोरिटी के बारे में हमने डिस्कस किया और लॉकिंग के बारे में डिस्कस किया। लॉकिंग में हमारे जो दो एक्सक्लूसिवली लॉकिंग कंस्ट्रक्टर होते थे म्यूटेक्स और लॉक, उनके बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट में किस तरीके से थ्रेड्स को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से थ्रेड्स को क्रिएट करते हैं। तो आइए देखते हैं। थ्रेड्स आर क्रिएटेड बाई एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, यानी कि थ्रेड जो होती है उसको हम क्रिएट करते हैं, जो हमारी थ्रेडिंग क्लास होती है उसको एक्सटेंड करके, यानी कि बढ़ाकर। द एक्सटेंडेड थ्रेड क्लास देन कॉल्स द स्टार्ट मेथड। जाहिर सी बात है, जब हम थ्रेड को क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें स्टार्ट मेथड को कॉल करना होगा टू बिगिन द चाइल्ड थ्रेड एग्जीक्यूशन, क्योंकि वहाँ पर हमें चाइल्ड थ्रेड की जो एग्जीक्यूशन है उसको हमें स्टार्ट करना है। ठीक, तो आइए इस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सिंपली हमने फर्स्टली क्या करा, यहाँ पर नेम स्पेस डिफाइन किया यूजिंग सिस्टम और यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग, यानी कि थ्रेडिंग के लिए हमने यहाँ पर यूजिंग सिस्टम डॉट थ्रेडिंग नाम का नेम स्पेस लिया, और वहाँ पर हमने नेम स्पेस डिफाइन करा है मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन के नाम से। ठीक है, देन क्लास ले ली हमने थ्रेड क्रिएशन प्रोग्राम। क्लास का जो नेम है वह हमारा क्या है, थ्रेड क्रिएशन प्रोग्राम। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे पब्लिक स्टैटिक वर्ड, यहाँ पर मैंने एक मेथड बनाया है कॉल टू चाइल्ड थ्रेड के नाम से, कॉल टू चाइल्ड थ्रेड के नाम से। ठीक, देन कंसोल डॉट राइट लाइन में मैंने क्या प्रिंट करा दिया कि चाइल्ड थ्रेड स्टार्ट्स। ठीक है, देन स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, यहाँ पर मेन मेथड में हमने क्या करा कि जो हमने थ्रेड स्टार्ट चाइल्ड रेफरेंस इज इक्वल्स टू न्यू थ्रेड स्टार्ट कॉल टू चाइल्ड थ्रेड। अब कॉल टू चाइल्ड थ्रेड में हमने देखा था प्रीवियस पेज पर हमने एक मेथड बनाया था। ठीक, अब उसको हम कॉल करा रहे हैं, और कॉल करा कर यहाँ पर हम थ्रेड स्टार्ट जो है चाइल्ड रेफरेंस क्लास जो है चाइल्ड रेफरेंस क्लास में हम क्या कर रहे हैं न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक, देन कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं इन मेन क्रिएटिंग द चाइल्ड थ्रेड, यानी कि यहाँ पर हम एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं चाइल्ड थ्रेड को क्रिएट कर रहे हैं। थ्रेड चाइल्ड थ्रेड इज इक्वल्स टू न्यू थ्रेड चाइल्ड रेफरेंस। ठीक है, अब हमने क्या करा चाइल्ड थ्रेड नाम से यहाँ पर एक चाइल्ड बनाया, देन उसका एक ऑब्जेक्ट लिया हमने न्यू थ्रेड के नाम से चाइल्ड रेफरेंस, यानी कि यहाँ पर हमने कॉल करा दिया। देन चाइल्ड थ्रेड डॉट स्टार्ट, यानी कि स्टार्ट मेथड को हमने कॉल करा दिया क्योंकि यहाँ पर हमारा चाइल्ड क्रिएट हो चुका है, यानी कि हमारी थ्रेड यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। कंसोल डॉट रीड की हमने इसलिए लगाया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर क्या होगा वह इनपुट स्क्रीन को आउटपुट स्क्रीन को थोड़ी देर होल्ड रखे, इसलिए हमने यहाँ पर कंसोल डॉट रीड की कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर फर्स्टली क्या प्रिंट होगा इन मेन क्रिएटिंग द चाइल्ड थ्रेड। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, देन उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चाइल्ड रेफरेंस है, चाइल्ड रेफरेंस के थ्रू कॉल टू चाइल्ड थ्रेड, यानी कि यहाँ पर क्या चाइल्ड रेफरेंस को कॉल कराया न्यू ऑब्जेक्ट को, अब क्या हुआ चाइल्ड थ्रेड, यानी कि यहाँ पर यह प्रिंट कराने के बाद उसके बाद यह क्या करेगा चाइल्ड थ्रेड, यानी कि कॉल टू चाइल्ड थ्रेड क्या है ये वाला चाइल्ड थ्रेड स्टार्ट्स यह वाली लाइन प्रिंट करा देगा, यानी कि फर्स्टली वो क्या प्रिंट कराएगा इन मेन में क्रिएटिंग द चाइल्ड थ्रेड देन चाइल्ड थ्रेड स्टार्ट्स। ठीक, तो इस तरीके से हम जो है वो प्रोग्रामिंग की हेल्प से चाइल्ड को क्रिएट करते हैं थ्रेड में, यानी कि वो थ्रेड को हम बनाते हैं। अब आप देखें यहाँ पर हमने मल्टी थ्रेडिंग का एक एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं कि मल्टी थ्रेडिंग भी हमारी किस तरीके से वर्क करती है। यहाँ पर हमने देखें कि प्रोग्राम टू शो यू हाउ टू मेथड्स एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली, यानी कि हम आपके सामने एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जिसके थ्रू हम आपको बताने जा रहे हैं कि दो मेथड्स साइमल्टेनियसली किस तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं। यानी कि एक हमने प्रोग्राम नाम से क्लास ले ली, देन स्टैटिक वॉइड मेन मेथड पर हमने क्या करा दो मेथड्स को डिक्लेयर किया यहाँ पर वर्क वन और वर्क टू। देन स्टैटिक वॉइड वर्क वन, यानी कि हम वर्क वन मेथड में काम कर रहे हैं,
फॉर इंट आई इक्वल टू वन, आई इज़ लेस देन इक्वल टू टेन, देन आई प्लस प्लस, यानी कि आई की वैल्यू जो है वो वन से स्टार्ट होगा, टेन तक चलेगी। देन वर्क वन इज़ कॉल्ड आई टू स्ट्रिंग देन। ठीक, यहाँ पर स्टेटिक मेथड भी कॉल हो गया, क्लोज हो गया हमारा, और ये मेथड भी हमारा यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक, देन अगेन फिर ये मेथड स्टार्ट हुआ हमारा सेकंड मेथड स्टैटिक वर्क टू के नाम से। ठीक, तो इसमें भी हमने फॉर आई इंट आई इक्वल टू वन, देन आई इज़ लेस देन इक्वल टू टेन, देन आई प्लस प्लस, यहाँ पर हमने इस तरीके से वर्क टू को भी प्रिंट करा दिया आई की फॉर्म में। ठीक है, यानी कि आई वर्क टू जो है वो हमारा प्रिंट होगा, वर्क टू इज़ कॉल्ड, और उसकी नंबरिंग यानी कि लूप की जो नंबरिंग है वह आई टू स्ट्रिंग यानी कि इसके साथ साथ प्रिंट होती जाएगी। ठीक, अब हमने देखना यह है कि हमारे दोनों किस तरीके से वर्क करेंगे। ठीक, अब आप देखें कि फर्स्ट में क्या है, वर्क वन यहाँ पर स्टार्ट हुआ, देन फॉर लूप चलकर यहाँ पर क्लोज हो गया। ठीक, अब आप यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि हमारा जो लूप चल रहा है वह वन से लेकर टेन तक चल रहा है। ठीक, यानी कि वर्क वन इज कॉल्ड और उसके साथ जो इसकी इनिशियल से लेके एंड तक की काउंटिंग है, यानी कि वन से लेके टेन तक, वन से लेके टेन तक, यानी कि वर्क इज कॉल्ड वन, वर्क इज कॉल्ड टू, वर्क इज कॉल्ड थ्री, वर्क इज कॉल्ड फोर, देन डेट 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 डेस्ट लगा रखा है, लेकिन यह जो है वो टेन तक एज इट इज प्रिंट होगा, यानी कि वर्क वन इज कॉल्ड टेन। ठीक है, यानी कि जो वर्क वन मेथड था वो यहाँ तक हमारा कॉल हो गया, क्योंकि उसको हमने इनिशियली क्लोज कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पर हम ब्रेसेस ना लगाकर एंड में ब्रेसेस लगाते तो दोनों लूप हमारे एक साथ चलते और एक साथ ही वैल्यू उनकी प्रिंट हो जाती। देन वर्क वन इज कॉल्ड, वर्क टू इज कॉल्ड, यानी कि जब तक ये हमारा वर्क वन मेथड जो है ये 10 टाइम्स प्रिंट नहीं हो जाता, जब तक हमारा वह मेथड वेट स्टेट में रहेगा, वेट स्टेट में रहेगा। देन आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फर्स्ट मेथड द सेकेंड मेथड विल बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि सेकेंड मेथड फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा, वर्क टू इज कॉल्ड वन, वर्क टू इज कॉल्ड टू, वर्क टू इज कॉल्ड थ्री, वर्क टू इज कॉल्ड फोर, देन डेट 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 वर्क टू इज कॉल्ड टेन। ठीक, तो यह आपने देखा कि वेट एंड वॉच की प्रोसेस में ये हमारे दोनों मेथड्स जो थे वे एग्जीक्यूट हुए। सो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।